हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो पुनीत व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब? आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, जैसे कि आजकल बहुत सारे प्रैंक हो रहे हैं, तो मैंने सोचा प्रैंक व्लॉग बनाया जाए। तो मैंने सोचा प्रैंक व्लॉग बना। तो मैंने बहुत प्रैंक वीडियोस देखा है कि बिना इन्वाइटेड शादी में जाते हैं, तो मैंने भी सोचा कि बिना बुलाए शादी में जाना चाहिए। तो मैं अपने एक आधे दोस्तों को बिना बुलाए जहाँ देखेंगे, पहले तैयार होके जाते अच्छे से, और जहाँ पे टेंट लगा होगा वहीं घुस जाएंगे। फिर देखते हैं कोई हमको पहचान पाता है नहीं पहचान पाता। वैसे तो कहीं भी चले जाओ यार, एक आधा फैन तो मिल ही जाता है, मतलब सब्सक्राइबर्स वगैरह तो मिल ही जाते हैं। तो देखते हैं कोई पूछेगा तो नहीं यार क्या होता है हमारे साथ, देखते हैं। अभी मैं हो जाता हूँ फटाफट तैयार। बाकी मैंने अपने दोस्तों को बोल दिया कि हम चल रहे हैं, है ना। मैंने कहा मेरे को शादी में जाना है ना, मेरे दोस्त की शादी है, तो ऐसे ऐसे है चलना है। तो गाइस बस शादी में चलते हैं, फिर देखते हैं कि हम पकड़े जाते हैं या नहीं पकड़े जाते। बहुत मज़ा आने वाला मुझे लग रहा है। गाइस नहा कर आ गया हूँ मैं, अब मैं कर जाता हूँ अपने बाल सेट करवाने, फिर पहनेंगे कपड़े, फिर जाएंगे शादी में बिना बुलाए। क्या रिएक्शन होंगे मम्मी, बिना बुलाए शादी में जा रहे हो? ऐसे कैसे कोई मार देगा यार, लगता है गाइस पलेटे किसी को पता ही ना चलेगा। कोट पैंट पहन के जाऊंगा ना, सबको लगेगा शादी में आया। बोलेंगे अब आपको नहीं जानते कहाँ से आए हो। कहूंगा मैं तो अपने घर से आया हूँ, तुम बताओ तुम कहाँ से आए हो। तो मैं पहले जाता हूँ बाल सेट करवाने। हाँ पत्नी बननी दे दी, पत्नी में घर भी लाऊंगा। क्या क्या खाना बता दूंगा, टिक्की सस्ती चीज है यार, सस्ती। तो आ गया बाल सेट करवाने, मैं सोचता थोड़ा गोरा भी होता, कोई पहचाने का नहीं, है ना। करो भाई साहब गाइस, बाल बाल सेट हो गए एकदम बढ़िया लग रहा हूँ ना। अभी कपड़े कपड़े पहनते हैं फिर चलते हैं। शे हमारे बाल बहुत बढ़िया सेट करता, देखो गाइस। गाइस तो हम लोग आ गए शादी में तैयारी यार होके। तीन जने और लिया हूँ अपने साथ, एक दो जने और लिया हूँ। और तुमको एक चीज़ बताऊँ, मैंने तुमको क्या बोला था कि मेरे दोस्त की शादी है, लेकिन यहाँ किसी दोस्त की शादी नहीं है। तो गाइस वहाँ बारात चल रही है, हमने ना मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। वो वहाँ पे सामने वो सामने पार्टी है और वहाँ से बारात आ रही है, तो बस आमना सामना हो गया, तो हम बारात में मिल जाएंगे। हम तो किसी की बारात में कोई बोल लेगा यार कोई। अब तेरा भाई 10 के नोट भी लाओ, उड़ा देख ले, सबको लगेगा रिश्तेदार है। मैं तो पागल हूं। ये देखो गाइस 10 के नोट देख लेगा तो। अबे कोई नहीं देख रहा गाइस, दे रहा 10 के नोट। वो तू पागल वागल तो नहीं हो गया? अब भाई करना पड़ता है। मैं तो सोच रहा हूँ, जानने वाला तो मिले बस, बाकी तो मार लूंगा। ये तो सही है अपना, उसने मतलब मुझे ही बताया था। मैं भी तो मैं अभी तो भाई कोट पैंट वाला ही बंदा होना चाहिए ना, थोड़ा दिखना चाहिए यार। रिश्तेदार है, कजन है अपने। ए पागल वागल है यार लड़का यार। गाइस बारात देखते हैं, अभी बारात तो मेरे को दिख ही नहीं थी, बहुत दूर लग रही है। मैं पता नहीं किसकी बारात आ रही है, तू कहाँ जा रहा है? पागल पागल वो बग्गी पे चढ़ेंगे कहिए भाई भाई कैसे हो कैसे हो, और चाहे वो तुझे जाने ना पहचाने ना, और दो दो चार नोट उड़ा दूंगा, कहेगा हाँ भाई अपना। ये तो आगे जाने सोच रहा हूँ, चाचा ताई का दूर का रिश्तेदार होगा। तो आज क्या शॉट कर दिया आज, तो भाई। तो गाइस अभी आगे चलते हैं, आगे आगे बने रहना, बहुत मजा आने वाला है ब्लॉग में। इसमें मिल जाना यही अपने रिश्तेदारों की बारात है। गाइस हमारे रिश्तेदार की बारात है, हम अपने रिश्तेदारों की बारात में आए हैं, पर ये नहीं पता कौन है रिश्तेदार हमारे। हंसराज बैंड है भाई, हंसराज कहीं हंसराज भाई की तरफ से आए हैं। अबे कोई सीन नहीं हो रहा यार, हम बैठे हुए हैं ना, किसी को पता लग रहा, मतलब 500 लोगों के बीच में हम तीन बन अलग पता लग जाएंगे, अलग पता लगेंगे। तो गाइस हम भी बारात के साथ साथ चल रहे हैं, एंट्री हो गई है। Thank you.
हे गाइस गुड मॉर्निंग, तो कैसे हो आप सब? ना पता लग गया वहीं जा रहे हैं। तो गाइस आप लोगों ने देख तो लिया ही होगा कि प्रेरणा की जो नई गाड़ी थी उसको एक हफ्ता भी नहीं हुआ, वो टूट गई है, किसी ने जानबूझ के तोड़ दी है। तो खैर पता तो लग ही गया कौन था, किसने तोड़ी है, और ये टंडा चेला। तो अभी जा रहे हैं हम जगतपुर, निशी आ रही है, नितेश भाई भी रात को ही आ गए थे, मिट्ठू भी आ गई थी रात को ही। तो अभी जा रहे हैं हम सारे जगतपुर, क्योंकि जिसने तोड़ी है उसका पता लग गया, हाँ भाई ये था। तो चलते हैं फिर देखते हैं क्या होता वहाँ पे। बढ़िया लग रहा है जी जो। हाय गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? और गाइस हम लोगों के साथ अभी क्या चल रहा है आप लोगों को पता ही होगा, जैसे कि सभी के व्लॉग्स में आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी प्रेरणा की गाड़ी के साथ हुआ है मिठू दीदी ने कराया। हमें इस बात का बहुत बुरा लग रहा है, मिठू दीदी हमारे साथ रह गया, आपने हमारे साथ इतना बुरा काम करा। आपको गाड़ी चाहिए थी, आप ऐसे ले जाती, ये सब करने की आपको क्या जरूरत? दे नहीं देते यार, पेट्रोल के पैसे नहीं दे रहे थे ये करके आपने अच्छा नहीं लगा। मैं यहाँ पे कबूल कर रही थी, इन्होंने पेट्रोल के पैसे नहीं दे रही, कहती गाड़ी ले जाए पेट्रोल नहीं दूंगी, तो आपने गाड़ी तोड़ दी। पेट्रोल भी निकाला? नहीं, थोड़ा सा अपनी गाड़ी भर ली बस। गाइस तो भाई ये जोक से पार्ट था, सबका मूड बहुत ऑफ है, तो थोड़ा थोड़ा बीच में ट्राई कर लेते हैं यार कि कुछ हंसी मजाक हो जाए, बिकॉज सभी लोग काफी ज्यादा परेशान है। गाइस कल पम्मी जीजू किसी शादी में गए थे, तो किसी ने वहां पर कोई ठेठी गांव था, तो किसी ने वहां पर जीजू की गाड़ी के साथ बहुत बुरा किया। मीन्स हम यार हमारे घर की सबकी पहली गाड़ी थी, सभी बहुत खुश थे गाड़ी को लेके, तो किसी ने गाइस अपनी किल्लस में या फिर हमसे जान पूछ के जलते हो या जो भी है, उस वजह से गाड़ी के साथ गाइस इतना बुरा किया। आप लोगों को मैं अभी बाहर चल के दिखाती हूँ, और मैं मतलब गाड़ी की क्या कंडीशन है, गाड़ी के आगे का पूरा जो मिरर है पूरा टूटा हुआ है, उसके ऊपर ईट ईट मारी है, ऊपर सनरूफ तोड़ रखा है पूरा। और गाइस तो अभी ना हम लोग जगतपुर आए थे क्योंकि यहाँ पे पंचायत बैठने वाली थी, तो हम यहाँ पे देखने आए थे गाड़ी का क्या सब चल रहा है। गाइस गाड़ी देखो, गाइस देखो गाइज हम यहाँ भी, मैंने आपको बताया हम लोग यहाँ जगतपुर आए हुए थे यहाँ पे देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पंचायत बैठी थी, तो ना यहाँ पे ना अंकल ने प्रेरणा भी बोल रही थी कि कुछ खा लो, क्योंकि ना हम सुबह से ही सारे भूखे, तो रात को भी किसी ने कुछ खाया, फोर्स किया तो फिर हमसे मना नहीं किया गया। गाइज और रात को भी ना गाइज रात को भी ना किसी ने कुछ खाया नहीं था, चलो जो होना था हो गया, अब जो करना है अगले वाले बंदे को दुख देंगे ना गाइज, हम क्यों दुखी रहे किसी की वजह से। तो हमने कहा चलो कोई नहीं आओ, वो गाड़ी तो हो जाएगी ठीक, हाँ उसका मुंह तोड़ देंगे, खाने लायक ही नहीं बचेगा। तो चलो गाइस खा पी के बात करते हैं आपसे। यहाँ वो शादी में फोटो नहीं खिंचवाते वैसा लग रहा है, हाँ दुल्हन दुल्हन बीच में फोटो खिंचवाने आया हुआ है, अगल बगल और बैठ जाओ सारे सेट हो गए, बढ़िया पेट। और कुछ मंगवाना, चौमिन वोमिन कुछ? देखो आप ही काम, कितनी बढ़िया लग रही है काम करते हुए। तो गाइस हम लोग आ गए घर, और अभी हमने आंटी के साथ करा प्रैंक, आंटी डर गई, कर लिया नोना को तैयार। पुनीत ले फट गया होगा मेरे भाई, पानी पी। नहीं तू पी पानी ले, नोना तू पी ले, मम पीगा नहीं इसको तो सब चलेगा। नोना अपने घर जाके सोना। ए बम्मा क्या हाय करो। हाय गाइस मेरी गाड़ी टूट गई, मम्मा नहीं लेकर आएगी। हाय गाइस ये नई गाड़ी आएगी। तो गाइस इस वाले ब्लॉग का करते हैं यहीं एंड, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो इस वाले ब्लॉग को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय।